हेलो गाइस, मैं हूं अनमोल। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं बावन इमली। तो बावन इमली आप ना जानते हो तो मैं बता दूं कि वहां पे बावन क्रांतिकारियों को एक साथ एक इमली के पेड़ पे फांसी दी गई थी, तो इसीलिए उसका नाम बावन इमली पड़ गया है। तो फिर चलिए आपसे वहीं पर चल के मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं बावन इमली पर। तो ये रहा इसका गेट, तो चलिए आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। देख सकते हैं आप इसके खुलने और बंद होने का टाइम सुबह 6 बजे से 5 बजे तक। देखिए अंदर से कुछ ऐसा है। अभी आगे लेके चलते हैं आपको। और ये यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी लिखी हुई है। भैया कोई दिक्कत तो नहीं ना, बना दे। तो ये है अंदर जाने का रास्ता। वहाँ पे दो पुलिस वाले भैया थे, तो उन्होंने बोला कि मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई थी तो पुरानी है, इसलिए कह रहे उसको मैं शूट करो, आगे जाके दिखा दो जाके अंदर का भी। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। काफ़ी सारे लोग हैं यार अंदर, तो कैसे क्या बोलूँगा कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दिख रहा है आपको वो पेड़ जिस पे 52 लोगों को एक साथ फांसी पे लटकाया गया था। ये रहा वो इमली का पेड़। और ये रहा स्मारक। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप मैं इसको एक बार मैं शूट करे दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बताता रहूँगा तो काफ़ी लंबा हो सकता है वीडियो, क्योंकि 4 से 5 मिनट से ज़्यादा तो कोई देखना पसंद करता नहीं अभी फ़िलहाल। अमर शहीद क्रांतिकारी जोधा सिंह अठैया सहित 52 अमर शहीदों के बलिदान स्थल पर 52 इमली शहीद स्मृति वन चेतना केंद्र परादान का उद्घाटन। तो ये रहा वो पेड़, इस पे 52 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी 1968 में। तो हमने जूते उतर उतार दिए हैं और अब ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जूते पहन के जाना थोड़ा कम सही रहेगा। देख सकते हैं ये जो रेड वाले वो है ना, छोटे छोटे खंभे हैं, ये पूरे 52 हैं और इसी पेड़ पे देखिए दी गई थी। उस टाइम पे ये पेड़ ना काफ़ी बड़ा था, ये 150 साल से ज़्यादा पुराना पेड़ हो चुका है पहले, लेकिन अभी तो इसमें पत्तियाँ आने लगी हैं। लेकिन बताते हैं जब उस टाइम पे इस पर फांसी दी गई थी तो कुछ साल तक ना इसमें कोई पत्ती आई थी और ना ही इसमें एक भी फल लगा था, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि इसमें पत्तियाँ भी हैं और फल भी आ रहे हैं। अब देख सकते हैं जो रेड वाले हैं पूरे 52 हैं। चलिए अभी इसके बाहर का व्यू भी दिखाते हैं आपको, जूते पहनते। तो ये रही जोधा सिंह अठैया जी की मूर्ति। उधर से धूप आ रही तो फोटो क्लियर नहीं आ रही। आप इसमें पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो 52 क्रांतिकारियों के इसमें लटकाया गया था, तो जोधा सिंह अठैया उनमें से सबके लीडर थे। इनकी यार फोटो क्लियर नहीं आ रही यार, धूप आ रही उधर। आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। रमेश चंद्र जी श्री गोरे श्री गरीबेलाल सॉरी आतंकवादियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इन्होंने, और ये शहीद हो गए थे। और ये रहे वो उन स्वतंत्रता सेनानियों के 52 के नाम हैं पूरा यहाँ पे, उनका पता, उनके पिता का नाम और ग्राम। तीन 52 के 52 हैं पूरे। आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो।
फिर इतना दिखाने के बाद इधर छोटा सा एक पार्क बना हुआ है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग खेल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं उधर, इसलिए उधर नहीं जा रहा हूँ। बच्चे खेल रहे हैं उधर पे सामने, और यहाँ पे अभी काम चल रहा है शायद, और कुछ भी बन रहा है। अभी चलते हैं वापस, यहाँ का ख़त्म हो गया, तो आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पे ख़त्म करूँगा, और कल के लिए तैयार है ना। मैं कल एक बाग बादशाही करके एक किला है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, तो कल उसका वीडियो आएगा, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। तो लेकिन शूट मैं आज ही कर लूँगा यार, क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूर है मेरे फतेहपुर से, काफ़ी दूर है, शूट मैं आज ही कर लूँगा, उसको कल डालूँगा, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहना, अभी हम लोग निकलते हैं वहीं के लिए, आ जाओ चलो देख लीजिए एक बार फिर से। ये रहा वो अमर शहीद पेड़, आप लोग इनको पढ़ जरूर लेना, ठीक है, जो लिखा हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं इसमें। अभी चलते हैं हम लोग वापस, ठीक है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, बाकी कल के लिए आप लोग रेडी रहना। तो आज के लिए इतना ही, कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो आज थोड़ा सा आगे यहीं पर बाग बादशाही करके एक किला है, तो वहीं की शूटिंग करूँगा तो मैं आज ही, लेकिन उसको कल पोस्ट करूँगा, क्योंकि जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ से ये काफ़ी दूर पड़ता है, तो डेली डेली तो आना जाना होगा नहीं। तो आज के लिए केवल यही ब्लॉग, और कल के लिए आप उसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।